मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर बिना रुके चल रहा है। मामला रतलाम से सामने आया है, जहां दोनों पत्तल व्यापारी सरकारी जमीन पर गोदान बनवा रहा था, जिस पर आज सरकार का बुलडोजर चल गया। मिली जानकारी के अनुसार रतलाम फाटक के समीप स्थित सरकारी जमीन पर एक दोना पत्तल व्यापारी गोदाम बनवा रहा था, जबकि जमीन सरकारी थी। बताया जा रहा है कि जमीन पर जगदीश शेखावत द्वारा कब्जा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया के सामने आए दोनों पत्तल व्यापारी ब्रजमोहन खंडेलवाल ने कहा कि एक पत्र सार्वजनिक करते हुए बताया कि जमीन उन्होंने जगदीश शेखावत से 8,51,000 रुपए में खरीदी थी। उन्हें मालूम नहीं था कि जमीन सरकारी है। ब्रजमोहन खंडेलवाल ने बताया कि उनके पास प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं आया। इधर अवैध निर्माण व अतिक्रमण छोड़ने से पहले प्रशासन ने संबंधित को कई बार नोटिस दिए, बावजूद इसके कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आज प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि आरोप है कि जिस जगदीश शेखावत पर लग रहा है, वहां मध्य प्रदेश कामगार बोर्ड के चेयरमैन सुल्तान सिंह शेखावत के छोटे भाई हैं। और बैंक के द्वारा पैसे दिए थे, और उसके बाद उसने बोला कि मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा और आप हटा लेंगे खुद ही। अभी हम हटा लेंगे इसको। अभी बात हुई आपकी उनसे? बात हुई तो उसको नहीं बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में ये मामला पूरा दर्ज हुआ था तहसीलदार महोदय के न्यायालय में। उसमें अंतिम आदेश तहसीलदार सर द्वारा पारित किया गया था, जिसके पालन में आज हमारे द्वारा ये अतिक्रमण यहाँ से हटवाया गया है। शासकीय भूमि थी, इस कारण से अतिक्रमण हटाने के लिए उनको समय भी दिया गया था, पर पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए आज प्रशासन द्वारा ही कार्रवाई यहाँ।